तो इस परिवार से वड्डा कहर होया। धी राणी ने विदेश जाना सी ते घर नूं अग लग जाती है। पासपोर्ट ते वीज़ा लग्या होया सी, पासपोर्ट के समेत टिकटां लैपटॉप सब कुछ सड़के सुआह हो जाता। तो परिवार दियां अखां दे विच हुण हंझू है, हंझू हुण भी क्यों ना, नुकसान एडा भारी जो होया ते सब कुछ सड़के सुआह हो चुक्या। देख के परिवार जिहड़ा कंब चुक्या कि साडे घर नूं हो की गया। धी राणी ने विदेश जाना सी, मलेशिया जाना सी, 9 अगस्त की उसकी फ्लाइट सी, पर उस तो पहला यहो जिहा भाणा वरतदा शॉर्ट सर्किट के नाल अग लगती है तो घर के पई हर एक चीज़ सड़के सुआह हो जाती है। अमृतसर तो यह मामला सामने आया। मंदिर के उपर जो घर से रहायश बनाई हुई थी, इस बिल्डिंग के शॉर्ट सर्किट होने के नाल अग लगती है तो घर का सारा समान सड़के सुआह हो जाता। बड़ी मेहनत करके इस मुकाम तक धी राणी पहुंची सी, हुण उसके सुपनिया नूं फल लगना सी, सुपने पूरे होने सी। विदेश उसने जाना सी, मलेशिया जाके उसने वड्डियां मल्लां मारनिया सी। जो सोचा सी मन दे विच कि विदेश जाके कुछ करना है, पिछे परिवारक मैंबर सुखाले करने ने, अपना चंगा भविष्य बनाउणा है, तां उह हुण सारे सुपने खेरू खेरू हो चुके ने। इस धी राणी का पासपोर्ट सड़के सुआह हो चुक्या, घर दे विच अग लगी है। थोड़े दिन तक इस धी ने विदेश जाना सी, पर लड़की के सारे सुपने चूरों चूर हो चुके ने। घर दे विच अग लगन दे कारण पासपोर्ट ते वीज़ा लग्या होया सी, उह सब कुछ सड़ चुक्या है, टिकटां सड़ चुकियां ने, लैपटॉप सड़ चुक्या, होर भी जो कीमती समान सी उह भी सड़के सुआह हो चुक्या। तां परिवार हुण मदद की गुहार लगा रहा, कहिंदे ने कि साडी मदद करे भगवंत सिंह मान। सो तुसीं अपना फर्ज समझदे होए वीडियो नूं शेयर करना है, भगवंत सिंह मान तक यह वीडियो पहुँचाउणी है, ता जो इस परिवार की कोई मदद हो सके, इस बच्ची की कोई मदद हो सके। इन्होंने नवा पासपोर्ट बनाना, उसके लिए सरकार इन्हों का सहारा बने। सो की कुछ कहना इस घटना लैके, वह भी तुम्हें सुना दें। सर, ये साई मंदिर पैंदा बोर्ड वाले शाले तो अगे आ गए पवन मैदान जी, उन्होंने घर अग लगी है। तो जो भी मैं मौके पर पता लगा, मैं उस वे मौके पर पहुँच गया। और मेरी जेडे इतों के विधायक ने डॉक्टर कौर विजय प्रताप सिंह जी, उन्होंने मेरी गल हो गई है, वह भी थोड़ी देर से पहुँच रहे हैं। बसंत एवन्यू मीटिंग जगे है, तो वह भी थोड़ी देर से पहुँच रहे। उन्होंने ड्यूटी लाई, कहते तुम पहुँचो वहाँ पर, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ये सर शॉर्ट सर्कट होया वा। बाकी सर मेरी सरकार अगे अपील है, इन्हों की बेटी की 9 तरीक न फ्लाइट है सर, वो पासपोर्ट जरा सड़ गया, बाकी सारा सारा कुछ सड़ गया, पिछले जेडे देख सकते थे सब कुछ शॉर्ट सर्कट ना, जरा सब कुछ राख हो गया। मंग मैं यही करता वा, अपना पुलिस प्रशासन जरा मौके पर पहुँच चुका है, और मेरे अपना जेडे इतों के विधायक आ और सीएम मान साहब ने मेरी बेनती है कि अपना जरा पासपोर्ट आ वो जरा जल्द तो जल्द बना के इन्हों दवाया जाए। बस यही मेरी हाथ जोड़ के बेनती है। ये जी बोर्ड वाले शाले के नेड़े अपना गली नंबर 4 साईं बाबा मंदिर की बिल्डिंग के मतलब घर आ, नीचे साइड से मंदिर आते नाल इन्हों का घर आ, उपर रहिश आ। बिजली सर्कट के नाल एक कमरे के मतलब जी अग लगी सी, तो बाकी परिवार दूसरे कमरे के पवन जी जेडे वो अपने नीचे कमरे के सुते सके। तो मतलब चलो जो इन्हों पता लगा तो फिर सारे महल्ले वाले ने बड़ी मेहनत के नाल अग पर काबू पाया वा, पर कमरे का सारा जोड़ा समान इन्हों का सड़ गया। इन्हों की बेटी आ एक मोनिका उसका नाम आ, वो HDFC बैंक के मेन ब्रांच के जॉब करते, बेचारी का वीजा लगा सीगा, उन्हें 9 तरीक में वो फ्लाइट सी, ਉਹਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ ਵਾ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵਾ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਗਿਆ, ਫਰਨੀਚਰ ਸੜ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਬੈੱਡ ਸੀਗਾ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਰਸੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੜ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਵਨ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਮੈਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਆਂ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਡੀ ਗੈਪ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਵਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੁਣੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਲੈਪਟੋਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ HDFC ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸਭ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣ,
मैं तो आप तो सारी 8 साल हो गए मैं कारोबार कोई कर नहीं पाता। मैं तो बच्चों पर डिपेंड हाँ, तो बच्चों बेचारे का भी जो समान से सारा सड़ के सुबह हो गया। तो हूँ तो अगे ही अरदास है, तो प्रशासन अगे अरदास है कि जे कुछ मेरी हेल्प कर सकते हैं तो कोई गल नहीं, बड़ा वधिया जे कर देंदे।